हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो लास्ट ईयर जंगकुक ने अपने सोलो एल्बम की शुरुआत करी थी 7 सॉन्ग से, एंड इस सॉन्ग की लिरिक्स की वजह से जंगकुक को लास्ट ईयर फर्जी में अपने फैंडम से बहुत सारी हेट का सामना करना पड़ा था। एंड जंगकुक जो कि एक एडल्ट मैन है और वो जैसे चाहे वैसे सॉन्ग बना सकता है, और अगर किसी को जंगकुक के सॉन्ग से थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है तो वो जंगकुक के उस सॉन्ग को ना सुने। पर फिर भी सबको ये बात तो समझ आती नहीं है, और इसीलिए जंगकुक को 7 सॉन्ग की वजह से लास्ट ईयर हद से ज्यादा हेट मिली थी। लेकिन दोस्तों, इतनी सारी हेट मिलने के बावजूद भी जंगकुक के सोलो करियर में 7 अभी तक का सबसे ज्यादा पॉपुलर सॉन्ग है। एंड सिर्फ आर्मी ने ही नहीं बल्कि लोकल लोगों ने भी जंगकुक के 7 सॉन्ग को बहुत ज्यादा प्यार दिया है। इसके अलावा जंगकुक ने अपने अभी तक के सोलो करियर में बहुत ज्यादा अचीवमेंट्स भी हासिल करी हैं, और ये जितनी भी ट्रॉफीज आपको इस फोटो में दिख रही है तो ये सभी ट्रॉफीज जंगकुक ने अकेले अपने सोलो करियर में अपने मेहनत से जीती है। लेकिन कल रात जंगकुक को उसके मेहनत का एक और बहुत बड़ा फल मिला है, वो भी फिर से 7 सॉन्ग के लिए। तो कल रात हुए एशिया स्टार एंटरटेनमेंट अवार्ड में जंगकुक के सॉन्ग 7 ने सॉन्ग ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है, जो कि बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड है। यानी कि पूरे एशिया में जितने भी सॉन्ग लास्ट ईयर रिलीज हुए थे तो उनमें जंगकुक का सॉन्ग 7 ही लास्ट ईयर का सॉन्ग ऑफ द ईयर बना है, जो कि जंगकुक के लिए बहुत ही बड़ी और ऑनर की अचीवमेंट है। इसी के साथ 2024 के अभी सिर्फ 3 मंथ ही बीते हैं, लेकिन हमारे सक्सेसफुल सोलोइस्ट और पॉप स्टार जंगकुक ने 2024 में अभी तक 15 अवार्ड्स को जीत कर बाकी के पॉप सोलोइस्ट के लिए एक और बहुत बड़ा रिकॉर्ड सेट कर दिया है। तो आर्मी, जंगकुक ने केवल 5 से 6 मंथ यूज करे थे अपने सोलो एल्बम को बनाने के लिए, लेकिन इतने कम टाइम में भी जंगकुक ने इतना अमेजिंग गोल्डन एल्बम बनाया है कि इस एल्बम की अचीवमेंट इतने महीनों के बाद भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो आर्मी, अगर आपके बायस जो जंगकुक है और आपको जंगकुक बहुत ज्यादा पसंद है तो कॉमेंट में पॉप स्टार जंगकुक या फिर आई लव यू जंगकुक जरूर लिखना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।